की किल्लत, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आत्महत्या, युवाओं की दशा और दिशा, सोशल मीडिया का अति प्रयोग, अशांत लोकतंत्र, धार्मिक मुद्दों पर 25 साल का युवक न केवल कई जिलों बल्कि कई राज्यों के परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। विवाद, भ्रष्ट राजनीति, 48 दिनों के इस सफर में इस युवक ने नरवन रत्नागिरी कोंकण से आष्टी गढ़चिरौली तक का 1200 किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा किया है। कोंकण के रत्नागिरी जिले के नरवन गांव के निवासी आशुतोष जोशी ने चिपलुन तालुका में शिक्षा प्राप्त की और मुंबई और पुणे में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। उसके बाद वे ललित कला का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे 6 साल बाद भारत के लिए लौटे। उन्हें लगा कि वह दुनिया से 50 साल पीछे है। उन्होंने अपनी यात्रा 10 अप्रैल को शुरू की थी, जिसका उद्देश्य हर दिन 35 से 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करना था। इस यात्रा के दौरान वह कुछ राज्यों का दौरा करेंगे, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक में फैसला किया गया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरण प्रेमियों के बारे में बात की। सूरज मधुरवार, PSI सिदाम, तुकाराम जादे, नीलेश संगमवर, संजय वाड़स्कर, अशोक छिछरे, सुहास मधुरवार, सचिन चिंतावार, अशफक कुरैशी, समीर निमवागड़े, दीपक वंधारे, बबलू कुलमेठे, प्रसेनजीत डोंगरे, प्रमोद दुर्ग, विवेक राणा, राहुल मुकारतिवार, उसके बाद आदि आष्टी गणेश सिंगड़े के पत्रकार संजय भाऊ पांडे, रवि भाऊ नामवर, पराग भाऊ सहित बहुसंख्य नागरिकों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में स्वागत किया। शुक्रवार को आष्टी में रुकने के बाद वे छत्तीसगढ़ से आलापल्ली, भामरागढ़, हेमलक्ष से उड़ीसा जगन्नाथपुरी तक पैदल यात्रा करेंगे। माझं नाव आशुतोष जोशी, मी निघालोय चिपळूण रत्नागिरीचा राहणारा आहे। मी निघालोय नरवणवरून आणि चाललोय ओडिशा पर्यंत। जाता जाता शेतकरी आत्महत्या, पाणी टंचाई आणि भारतामध्ये असलेली आत्ताची जी काही लोकशाहीची ढासळती परिस्थिती आहे, या सगळ्यांवरती जनप्रबोधन लोकांशी बोलत पुढे जाते। मी राहायला इंग्लंडला असतो, मी ते सगळं सोडून इकडे आलो कारण की इथली परिस्थिती बघितली मी काय चालू आहे ती। आत्ताच्या तरी जे माझ्या वयाचे आहेत किंवा माझ्या लहान वयांचे आहेत त्यांना एवढंच सांगेन की आज आपल्याकडे एक गोष्ट हातामध्ये आले, मोबाईल आणि लॅपटॉप। जर आपण त्याचा बरोबर वापर करायला सुरुवात केलं आणि आपण ह्याचा बरोबर वापर करायला सुरुवात केली तर आपण या सगळ्या सिस्टीम्समधून बाहेर पडू शकतो आणि आपल्याला पाहिजे तसं आपलं विश्व घडवू शकतो। इंडिव्हिज्युअल चेंज जर केला तरच उपयोग आहे। सोसायटीला बदलायचा प्रयत्न केला तर सोसायटी तुम्हाला मारून टाकेल, म्हणजे लिटरली मारून खाईल। त्यापेक्षा तुम्ही इंडिव्हिज्युअल चेंज करायला प्रयत्न करा, स्वतःमध्ये चेंज करा, स्वतःचं डोकं वापरायला लागा आणि सगळं बरोबर तुमचं बरोबर पुढचं विश्व बदलत जाईल। सो हा मी संदेश देईन सगळ्यांना। लव्ह यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।